हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसे आप बड़े प्यार से पोएम भी कह सकते हो, वो है स्टैंडर्ड 8 का मराठी सब्जेक्ट, जिसका नाम है आमी चालवो हा पुढ़े वारसा। या इसे लिखा गया है जगदीश खेबुड़कर जी ने, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुरु और शिष्य के बीच जो है वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया, किस तरह से शिष्य होता है, मतलब स्टूडेंट होता है, वो अपने गुरु के प्रति किस तरह से अच्छी बातें कहता है। सारे पूरे पोएम में आप लोगों को जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। और आप लोग पेज नंबर 1 ओपन कीजिएगा आपके टेक्स्ट बुक का, और वहाँ पर मैं वर्सेस आप लोगों को जो स्टैंड्स है वो भी मैं मतलब रीड आउट करके मैं आप लोगों को एक एक लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो पहला लाइन देख लीजिए, मतलब फर्स्ट स्टैंजा देख लीजिए। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आमी चालवू हा पुढ़े वारसा, ठीक है। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा का मतलब क्या है? गुरु ने दिया हुआ ज्ञान और सिखाई हुई अच्छी आदतें जाननी कोशिश करो। आई एम रिपीटिंग अगेन, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा का मतलब है गुरु ने दिया हुआ ज्ञान और सिखाई हुई अच्छी आदतें, ठीक है। आमी चालवू हा पुढ़े वारसा, ओके। आमी चालवू हा पुढ़े वारसा का मतलब है हम स्टूडेंट्स ने अपने फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना चाहिए। मतलब इसका मतलब है जो भी गुरु ने सिखाए हुए ज्ञान और अच्छी आदतों से जो भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, वो शिष्य होता है वो अपने फ्यूचर जनरेशन को वही मैसेज और वही ज्ञान पास ऑन करना चाहता है गुरु ने दिया हुआ, ओके। आमी चालवू हा पुढ़े वारसा का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स ने या उन शिष्य ने अपने आने वाले भविष्य के, मतलब जितने भी भविष्य में होने वाले लोगों को वो ज्ञान पास ऑन करना चाहिए। सेकेंड स्टैंजा, पिता बंधु स्नेही तुम्ही माउली, तुम्ही कल्प वृक्षा तली सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवदसा, ठीक है। एक एक लाइन समझते हैं। जैसे पिता बंधु स्नेही तुम्ही माउली, इसका मतलब है गुरु हमारे पिता। देखो बंधु स्नेही अनि माउली, इसका मतलब है पिता बंधु स्नेही का मतलब है, एक तो पिता का मतलब होता है फादर, बंधु का मतलब होता है भाई, और स्नेही मतलब जो बोलते हैं ना वेल विशर, शुभ चिंतक, या फिर आप दोस्त भी कह सकते हो। सो गुरु हमारे पिता भाई और दोस्त की तरह होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली माँ की तरह समझते हैं। माउली का मतलब होता है माँ की तरह, ओके। तो गुरु शिष्य ने किस तरह से गुरु को डिस्क्राइब किया? एज इज फादर, एज इज ब्रदर, एज इज वेल विशर और फ्रेंड एंड अंडरस्टैंड, मतलब वो पर्टिकुलर गुरु होता है वो अपने शिष्य को किस तरह से समझता है? अपनी माँ की तरह, ओके। जैसे माँ हमें समझती है, तो इस तरह से तुम्ही कल्प वृक्ष तली सावली, मतलब वो एक ख्वाहिश पूरा करने वाला है, वो एक, देख इधर क्या लिखा है, तुम्ही कल्प वृक्ष तली सावली, मतलब वो जो पेड़ के नीचे जो छाव मिलता है उसकी तरह है गुरु जी, ओके। जो गुरु होते हैं वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि जो कल्प वृक्ष तली मतलब झाड़ के नीचे जो सावली होते हैं उसकी तरह वो होते हैं, ठीक है। तुम्ही सूर्य आमा दिला कवडसा, इसका मतलब है, देखो मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। वो एक ख्वाहिश पूरा करने वाला पेड़ होता है जिसे आपको सावली मिलेगा, मतलब वहाँ पर उस पेड़ के नीचे बैठ करके पुराने ज़माने में गुरुजी लोग पेड़ के नीचे बैठ करके सारे बच्चों को सामने बिठा कर पढ़ाया करते थे, ओके। वहाँ पर वो एक ऐसा जगह होता था बहुत ही बोलते ना पूरे नेचर, ओपन नेचर में, ओपन एरिया में बैठ करके सीखना होता था उस ज़माने में। अभी तो स्कूल इमारतों में हम बैठते हैं। सो ऐसे ही समझाने की कोशिश की कि एक ख्वाहिश पूरा करने वाला पेड़ होता था, मतलब जो गुरुजी पेड़ के नीचे बैठता था और उनको एजुकेट करता था, उनको ज्ञान देता था, वो किसी ख्वाहिश कम करने से कम नहीं था। मतलब जो पेड़ था वो एक ख्वाहिश पूरा करने वाला, मतलब ज्ञान प्राप्त देने, मतलब एक आशीर्वाद की तरह था कि बच्चों को बैठ करके पढ़ सके, ताकि उन लोगों को जो छाव है वो मिल सके और आसानी से कंफर्टेबली पढ़ सके। उसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखे उन्होंने, तुम्हें सूर्य आमा दिला कवडसा, इसका मतलब है उनका दिया हुआ ज्ञान असली सूर्य है, ओके। उनका दिया हुआ ज्ञान असली सूर्य है, और जो सूर्य जो ज्ञान वो दे रहा है वो एक सूर्य की तरह होता है, जो उनकी किरणें होते हैं वो बच्चों पर गिरता है और उन लोग को नॉलेज प्राप्त होता है। आप लोग लाइन समझने की कोशिश करो, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सॉरी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तुम्ही सूर्य आमा दिला कवदसा, कवदसा मतलब किरण है, सूर्य की किरण, तो जो गुरु नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो एक सूर्य की तरह होता है, और उसमें से
निकला हुआ किरण है वो हम पर है कि हम किस तरह से उसे लेते हैं अपने अंदर और उसको उसको एज अ ज्ञान प्राप्त करने जैसा। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की है। थर्ड स्टैंजा, जीते काल अंकुर बीजा बीजा तले, ओके, जीते काल अंकुर बीजा तले तिते आस वेली वरी ही फूले, फल ड्रप हा वृक्ष वहावा तसा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज स्टार्टिंग के दो स्टैंजा ओके थे लेकिन जो थर्ड स्टैंजा था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को इजी वे में करके बता दूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है। सो थर्ड स्टैंजा में बताया है, पहला लाइन समझते हैं, जीते काल अंकुर बीजा तले, अंकुर का मतलब होता है बीज, ओके, मतलब ये एक बेसिकली कैसा होता है कि एक झा पेड़ को उगाने के लिए हम बीज मिट्टी में डालते हैं फिर वो उगता है धीरे धीरे करके एक पेड़ बन जाता है। इसी तरह जो गुरु होता है वो ज्ञान एक बीज की तरह समझ करके बच्चों के दिमाग में डालते हैं और फिर वो दिमाग में ग्रो हो जाता है और फिर इस तरह से वो नॉलेज एनलाइटन हो जाता है बच्चों के अंदर। तो इस तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। ठीक है, गुरु अपना ज्ञान, ओके, गुरु जी होते हैं, गुरु होते हैं, अपना ज्ञान बीज की तरह बच्चों में मतलब बोता है, मतलब मैंने वही कहने की कोशिश की है, जो गुरु होता है वो स्टार्टिंग में अपना ज्ञान किस तरह से बांटता है एज एक बीज की तरह समझ कर कंसिडर करके वो बच्चों के अंदर बोने की कोशिश करते, वो डिपेंड करते हैं, बच्चे ध्यान देते, बच्चों के ऊपर होते कि वो ध्यान देते, मिट्टी के ऊपर डिपेंड होते कि वो बीज क्या वो बीज से क्या वो मिट्टी बीज को सपोर्ट करके पेड़ बना सकती है या पौधा बना सकती है, वो डिपेंड है मिट्टी के ऊपर। ठीक उसी तरह बच्चों के ऊपर है कि वो किस तरह से जो गुरु बीज जो ज्ञान वो जो दे रहा है वो किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, आइदर वो एक्सेप्ट करते हैं या तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड है तो वो बीज अपने दिमाग में लेगा, ओके, दिमाग में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। वो मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, जिसे बच्चों के मन में उगने लगता है। अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है और बहुत ही फोकस्ड रहते हैं गुरु जी के ज्ञान में इंटरेस्टेड है फोकस्ड है तो उनके वो जो बीज एज अ बीज वो जो ज्ञान को उन्होंने बीज करके अज्यूम किया है वो बच्चों के दिमाग में उगने लगता है और वो उगते हुए पौधा और फिर फूल और फूल से एक पेड़ बन जाता है। आप लोग तो समझने की कोशिश करो एक पेड़ कैसे बन जाते, पहले एक पौधा बनता है उसमें फूल उगते हैं उसके बाद वो बड़ा बड़ा होता है और पेड़ बन जाता है। इसी तरह नॉलेज एक बीज दिमाग में डाल दिया फिर उसके बाद वो एक छोटा सा पौधा बन जाता है, पौधे से फूल उगता है। इसी तरह से नॉलेज जितना एडवांस होना है एडवांस होते जाते हैं, यही पोएट ने समझाने की कोशिश की है। और अब जो पेड़ है वो इमेजिनेटिव, मतलब मैंने वही बोला इमेजिनेटिव एज्यूम कर किया है गुरु जी का की बातों का, गुरु का ध्यान दिया हुआ ज्ञान होता है। आप लोग समझने की कोशिश करो, तब तक गुरु का ज्ञान उस बच्चे में प्राप्त नहीं होता जब तक ये प्रोसेस से नहीं गुजरता है। पोएट ने कितने अच्छी तरह से एक पेड़ उगाने का एग्जाम्पल देते हुए गुरु का ज्ञान किस तरह से बच्चों में बोलते हैं ना बच्चे किस तरह से उसे प्राप्त करते हैं वो समझाने की कोशिश की है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही डिस्क्रिप्शन बहुत ही इमेजिनेटिव तरीके से उन्होंने लिखा है, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे थर्ड स्टैंजा। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ स्टैंजा, शिकु धीरता शुरता वीरता, शिकु धीरता शुरता और वीरता, धरु थोर विद्य सवे नम्रता, मनी द्यास हा एक लागो असा। ओके, ये वो लाइन भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट्स हो आप लोगों की गलती नहीं है, तो मैंने इसको भी सिंपल तरीके से लिखा है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें पहला लाइन देखो, शिकु धीरता शुरता निवीरता, इसमें तीन चीज़ें धीरता शुरता निवीरता, मतलब इसका मतलब है और उसी प्राप्त ज्ञान को जो मतलब हमारे अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है। अभी ऐसा नहीं कि भाई गुरु ने बीच की तरह वो एग्जांपल दिया कि वो अपने अंदर डालते हम इंटरेस्टेड फोकस रहे हो गया हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या करना है उस ज्ञान को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये पोएट ने आगे समझाने की कोशिश की है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो बच्चे होंगे वो करेजियसली ब्रेवली और वीरता से ज़िंदगी का सामना करेंगे। वही जो चीज़ें हम वो लोग सीखते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से उसके आधार पर वो बच्चे करेजियसली ब्रेवली और वीरता से ओके बिना डरे ज़िंदगी का सामना करेंगे। ओके, गुरु जी का ज्ञान इतना पावरफुल है कि वो सामने वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़िंदगी को फेस करने को भी तैयार हो सकते हैं और सभी लोगों से आदर सम्मान और रिस्पेक्ट से रहेंगे, मतलब जो अच्छे रहेंगे उनसे कई हद तक ये स्टूडेंट्स
इस गुरु जी के रास्ते पर चलने पर जितने भी लोग होंगे एल्डरली पीपल, उनसे बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्ट से आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी भर यही पर्सनालिटी को अपने पास रखेंगे। इसका मतलब है ये जो ज्ञान प्राप्त करने पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं उसको एकदम बोलते हैं ना बहुत ही करेजियसली वो लोग फेस करेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर में। और ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लोग हैं जिनसे जो लोग बहुत ही दिल दयालु लोग हैं उनके साथ उनके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट आदर सम्मान वो कह सकते हो वो रखेंगे। और लास्ट में ये कहा है कि ज़िंदगी भर यही पर्सनैलिटी को मतलब उन लोग अपनी आदतों को वही जो आदत है वो ज़िंदगी भर आगे लेकर के जाएंगे, वो पर्सनैलिटी को आगे पास ऑन करेंगे। इसलिए फर्स्ट स्टैंजा में आप देखो उसमें अगर आप गौर करो तो फ्यूचर जनरेशन को पास करने का भविष्य को बच्चों को आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें पास करना चाहते हैं ये शिष्य गुरु ने दिया हुआ ज्ञान। ओके तो ये समझाने की कोशिश की है राइटर ने कि ज़िंदगी भर यही पर्सनैलिटी यही वो आदतें वो लोग छोड़ेंगे नहीं बल्कि ये लोग आगे लेकर के जाएंगे और आगे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना। फिफ्थ आंसर, जरी दुष्ट को नीच करू शासन गुनी सज्जनाचे करू पालन मनी मानसी हाथ आए तसा। इसका मतलब है कि दुष्ट करने पर कोई भी दुष्ट करे कोई भी बुरा काम करे कोई भी गलत काम करे उनको छोड़ना नहीं है बल्कि उनका पनिशमेंट या फिर उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। राइटर ने ये कहने की कोशिश की है पनिश करना ज़रूरी है और अच्छे लोगों को रिस्पेक्ट एज आई सेड इसके पहले मैंने यही कहने की कोशिश की और उनकी अच्छी बातों का पालन करेंगे जो भी मतलब गुरु के अलावा और कोई भी अच्छे लोग मिलेंगे वो लोग अगर कोई अच्छी आदतें सिखाएंगे उनसे कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिले तो हमें ज़रूर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उन ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए जो अच्छे लोग हमें अच्छा रास्ता से अच्छी बातें कहते हैं उनको भी हमें मन में ले करके उसको एज अ कंसिडरेशन आगे लेके जाना चाहिए। अच्छी बातों का पालन करेंगे और दिल में हमेशा इनको याद करेंगे दिल से हमेशा गुरु के अलावा गुरु को भी याद रखेंगे और बल्कि अच्छे लोग जिन्होंने अच्छे कामें किए और अच्छी आदतें सिखाई और बहुत ही इंस्पायर किया हो इन लोगों को उनको भी ज़िंदगी में याद रखना चाहिए क्योंकि कभी भी आप आगे बढ़ो तो आप लोगों में हमेशा एक चीज़ याद रखना है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं किसी ने भी आप लोगों के लिए अच्छा कुछ किया हो तो उनको याद रखो बल्कि भूलो नहीं ये गलत बात है। तो ये राइटर ने सभी हम सबको समझाने की कोशिश की। लास्ट स्टैंजा में लिखा है कि तुझी त्याग सेवा फड़ा ये अशी मतलब ये गुरु जी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि तुझी त्याग मतलब सैक्रिफाइस सेवा फड़ा ये अशी तुझी कीर्ति राहिल दाई दिशी मतलब दसों डायरेक्शन में तुम्हारे जो कीर्ति का मतलब होता है कि जिस तरह से तुम्हारी पूजा मतलब बोल सकते ये भी बोल सकते रुको मैं रीड आउट करता हूँ अगर पुण्यवंता बलिया मानसा। ओके देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट डोंट वरी मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। फिर ये लोग गुरु को एड्रेस करते हैं एज आई सेड अभी बोला मैंने कि ये लोग गुरु को लास्ट स्टैंजा में एड्रेस करते हैं कि उनका बलिदान और दूसरों के लिए सोचना और सेवा करने से सभी को अच्छा फल मिलना है। मतलब गुरु जो भी कर रहे हैं मतलब उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया इन स्टूडेंट्स के लिए फॉर सम रीजंस मैनी मेजर फैक्टर्स के कारण और कई ज़रूरतमंदों के लिए उन्होंने मदद की सेवा की है और उसका फल उनको भी मिला है अच्छे कर्मों के फल और उनके जो शिष्य होंगे जिनको उन्होंने बहुत ही अच्छा किया उनकी भी ज़िंदगी सही पटरी पर चलेगी ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो रेपिटेशन होगा गुरु जी का जो रेपिटेशन होगा वो दसों दिशा में प्रसिद्ध होंगे उनके नाम चारों ओर मतलब दसों दिशाओं में ऐसा लिखा है कि प्रसिद्ध होंगे उनका नाम लोगों के जुबान पे होगा और दर्शन जैसे आपने कीर्ति बोला वो दर्शन भी कह सकते हो उसका मीनिंग परफेक्ट है दसों और दर्शन होंगे उनके नाम का और उनका जो पर्सनालिटी है वो और वो उनका जो एक पर्सनालिटी वाइज वो हमेशा एक सत्यवादी माने जाएंगे पूरे दुनिया मतलब पूरे दसों दिशा के लोगों के बीच में गुरु जी का जो पर्सनालिटी है वो एक सत्यवादी के इमेज में रहेगा। ओके सो दैट्स इट आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है जगदीश जी ने और मुझे भी बहुत पसंद आया।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी होगा @DenzelFrank28, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।